हेलो फ्रेंड्स, आज मैं समर स्पेशल मैंगो डेजर्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें मैंने ना कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर, सूजी, मैदा, बेसन किसी का यूज़ नहीं किया है। घर में रखी कुछ सामग्री से मैं स्पेशल टेस्टी लाजवाब मैंगो डेजर्ट बनाने वाली हूँ। आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ml दूध लिया है, एक कढ़ाई गैस पे रखी है, उसमें इस दूध को मैंने डाल दिया। अब दूध में मैं उबाल आने देती हूँ, एक बार चला देती हूँ और उसके बाद दूध में उबाल आने का वेट करती हूँ। जब तक दूध में उबाल आ रही है, यहाँ पे मैंने 500 ग्राम का एक आम ही लिया है। इसमें क्या करती हूँ, आम को मैं छील लेती हूँ सबसे पहले, और जब तक मैंने आम छीला इधर दूध में उबाल आ गई, तो इसको अब मैं चलाती हूँ, गैस को मीडियम सिम कर देती हूँ। मुझे इस दूध को गाढ़ा करना है, रबड़ी जैसा बनाना है, तो इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी, इसमें मलाई पड़ने दूंगी ताकि हमारी रबड़ी बनके तैयार हो। अब इस आम में से मुझे आधे तो आम के छोटे छोटे पीसेस यानी कि कट करते हुए स्लाइसेस में छोटे छोटे ऐसे कट करने हैं, और बाकी बचे आम का मुझे पल्प बनाकर तैयार करना है। तो देखिए कैसे मैंने आम के छोटे छोटे पीसेस कट करे हैं हाफ आम के, और हाफ आम को ऐसे ही बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए, क्योंकि इसे मिक्सी के जार में पीस के मुझे पल्प बनाना है। तो अब मैं मिक्सर जार लेती हूँ और इसे पीस कर पल्प बनाकर तैयार कर लेती हूँ। जब तक मेरा दूध वहाँ गाढ़ा हो रहा है, यहाँ पे मैंने फ्रेश मलाई ली है, ये दूध वाली मलाई है। अगर जैसे ये घर में हमेशा अवेलेबल रहती है, तो मैं इसी के ज़रिए मिठाई बना रही हूँ। इसे थोड़ा चला लेती हूँ, ज़्यादा भी नहीं चलाना है, नहीं तो इसमें से मक्खन निकलने लग जाएगा। थोड़ा सा फैट लेती हूँ इसको हल्का सा, और देखिए तक गाढ़ापन भी आ जाता है मलाई में अपने आप ही चलाते चलाते। और इसमें 2-3 स्पून मैंगो पल्प डालती हूँ, बाकी मैंगो पल्प अभी मैं बचा लेती हूँ, वो बाद में यूज़ करूँगी। और मैंगो पल्प डाल के भी मलाई को एक बार मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मलाई तो हमेशा रहती है, इसलिए मैंने मलाई का यूज़ किया है। अगर आप व्हिप्ड क्रीम भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम भी इसमें बहुत अच्छी रहती है इस स्वीट डिश के लिए। ये देखिए यहाँ पे रबड़ी बननी चालू हो गई है, काफ़ी गाढ़ापन आ चुका है। तो अब मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी स्वाद के अनुसार, लगभग 3-4 स्पून मैंने शक्कर डाल दी है। फिर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, दूध में उबाल लूंगी ताकि शक्कर भी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा जो गाढ़ापन आना बाकी है वो और आ जाए। अब देखिए हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अभी अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा गाढ़ा दिखेगा, इसलिए मैंने गैस को तभी बंद कर दिया था। और ठंडा होने के बाद देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, रबड़ी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसमें भी मैं मैंगो पल्प डाल देती हूँ, 2-3 स्पून जितना मुझे ज़रूरत लगती है उतना मैंगो पल्प मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये याद रखें कि रबड़ी को ठंडा होने के बाद ही आप इसमें मैंगो पल्प को मिक्स करें, तब तक आप बाकी का काम कर सकते हैं। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे ये 7-8 ब्रेड ले ली है, और जितनी भी ब्रेड आप लेना चाहें, जैसे किस कंटेनर में आप बना रहे हैं उसके हिसाब से, और इस एक एक करके ये ब्रेड को मैं रबड़ी में डिप करूँगी अच्छी तरीके से। मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स को पहले से ही कट करके रख लिया था, ब्रेड कॉर्नर्स मैंने अलग हटा दिए हैं। और ये जो मैंने एक बाउल या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर बाउल लिया है, उसके उसमें मैं इस ब्रेड को नीचे अच्छे से बिछा दूंगी, एक लेयर लगा दूंगी रबड़ी में, अच्छे से डिप करते हुए मुझे बिछाना है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर थोड़ी सी रबड़ी को ऊपर फैलाते हुए इसे इक्वल साइज़ में, मतलब इक्वलिटी में ले आऊँगी, बिल्कुल जिसे लेवल में आ जाए। उसके बाद मैंने ये जो आम के पीसेस कट करके रखे थे, एक लेयर में इसके आम के पीसेस की इस पर लगा दूंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से एक एक करके ब्रेड लूंगी, इस रबड़ी में डिप करूंगी अच्छी तरीके से, और फिर दोबारा से इसके ऊपर ये ब्रेड की लेयर मैं लगा दूंगी, और फिर रबड़ी जितनी भी बची है सारी रबड़ी इस पर डाल के इसे बिल्कुल फैलाते हुए बिल्कुल एक लेयर मैं बना दूंगी। अब दोबारा से मैंने यहाँ पे जो मैंगो के पीसेस कटे किए थे, थोड़े से बचे हैं अभी, वो मैं दोबारा से एक और लेयर इसके ऊपर लगा देती हूँ। ये देखिए चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए मैंगो पीसेस की मैंने लेयर लगा दी है। अब मैं अपना लास्ट इंग्रेडिएंट, जो मैंने ये यहाँ पे मलाई को फेंट के थोड़ा सा उसमें मैंने मैंगो पल्प मिला के रखी थी, वो मलाई जो है वो मैं चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए इसकी एक लेयर लगा देती हूँ। अगर आप व्हिप्ड क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आप अच्छे से एक लेयर लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने मलाई की भी एक लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं फाइनली अपनी लास्ट लेयर लगाती हूँ, थोड़ी से मैंगो पीसेस की जो मैंने कट करके रखे हैं।
तो उसकी लेयर भी लगा देती हूँ मैं। बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश ये बन के आती है। और थोड़ी गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने पिस्ता यूज़ किया है। पिस्ता आप कुछ और चीज़ से गार्निश करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, मैंने गार्निश कर दिया है। ये मेरी बिल्कुल डेजर्ट तैयार है, लेकिन अभी इसको 1 घंटे फ्रिज में मैं सेट होने के लिए रख दिया था। 1 घंटे बाद ये फ्रिज में सेट हो जाती है। अब मैं इसके पीसेस कट करती हूँ। इसके अब मैं पीसेस कट करके जब निकालूंगी तो बिल्कुल परफेक्ट सेट मेरी डेजर्ट ये जो है बाउल से निकल कर तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पर पीसेस कट कर ली हैं और अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। वाओ, क्या सॉफ्ट और मज़ेदार और मैंगो सीजन की स्पेशलिटी। मैंगो सीजन में अगर आपने एक बार ये डेजर्ट खा ली तो बस मज़ा ही आ जाएगा। ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक बार कट करते हुए दिखाती हूँ और इसको इंजॉय करती हूँ। और मुझे उम्मीद है आप भी अपने घर पे जल्दी से ये बनाने वाले हैं और इसको इंजॉय करने वाले हैं। कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।